हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेरी 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 हैप्पी करवा चौथ टू यू ऑल, जो मैरिड है उन्हें भी, जो नहीं है उन्हें भी, क्योंकि दे विल बी मैरिड सून और वन डे डेफिनेटली। सो ये क्योंकि मैं बचपन से ही इस डे को बहुत इंजॉय करती आई हूँ, क्योंकि मुझे पता है सब ताई जी चाची जी वगैरह बहुत ब्यूटीफुली ऐसे ड्रेसअप होके आएंगी कहानी सुनने के लिए, सब साथ में कहानी। तो मुझे बचपन से इस डे की बहुत एक्साइटमेंट रही है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। दैट्स वाई आई एम विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी करवा चौथ, क्योंकि मुझे पता है मेरे जैसे वहाँ पे और भी लोग होंगे जो फास्ट नहीं रखते, या फिर मैरिड नहीं है, या फिर इस चीज़ में बिलीव नहीं करते, बट स्टिल वो इस चीज़ डे को इंजॉय करते हैं। Are you getting me? कि बस इसकी वाइब्स अच्छी लगती है, ड्रेसअप होना अच्छा लगता है, सबको ड्रेसअप होते देखना अच्छा लगता है, मेहंदी एंड ऑल ये सब चीज़ें अच्छी लगती है। तो आप मेरी जैसे ही हैं, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, मैं बहुत अच्छे से इंजॉय करती हूँ इस डे को, इसीलिए ये बचपन से मेरा फेवरेट डे रहा है। और शादी के बाद तो स्पेशली मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ उस डे के लिए। अगर ऊपर नीचे कुछ हो रहा होता है, मीन्स कि अगर मैं और मेरे और राहुल की कुछ बात हो जाती है, मैं कहती नहीं करवा चौथ है, हम ये बात उसके बाद करेंगे, करवा चौथ के बात करेंगे, वापस से झगड़ा कर लेंगे, लेकिन इस डे को मुझे बिल्कुल स्पॉइल नहीं करना होता है। तो बने रहिए, ये डे बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत इंजॉय करने वाले हो आप मेरे साथ। तो ये सिंदूर की डिब्बी है, इसमें सूखा सिंदूर है, ये मैंने भैरव मंदिर से लिया था, जो दिल्ली वाला भैरव मंदिर है प्रगति मैदान के पास, ताकि किसी की नज़र ना लगे। और इसके अंदर मैंने अपने फिरो वाला सिंदूर मिक्स करा हुआ है, और हमेशा से मैं यही लगाती हूँ, मैं नहीं लगाती एक्चुअली, इस दिन पे मैं राहुल को ही बोलती हूँ, तो चाहे वो कितना ही लेट हो रहे हो, लेकिन बस मैं बोलती हूँ ये सिंदूर लगाओ और फिर चले जाओ। और आज अच्छी बात ये है कि वो घर पर रहने वाले हैं। आज के दिन का जो सबसे डिफ़िकल्ट काम था ना, वो था प्रेस करना। तो मेरी दो ड्रेसेस थी, एक थी डे टाइम की, एक थी नाइट टाइम की। डे टाइम पे मैं ये नियॉन ग्रीन कलर का सूट डालने वाली थी, और नाइट टाइम पे ये साड़ी डालने वाली थी। इससे पहले मैंने उस ड्रेस पे प्रेस करी थी, उसमें इतने फ्लेयर्स है कि बहुत टाइम लग गया उसको प्रेस करने में। और ऊपर से ये साड़ी पे तो मुझे लग रहा है मैं फ़र्स्ट टाइम ही अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैंने प्रेस करी थी, और बहुत हेक्टिक था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कैसे करूँ डबल फोल्ड करके, फोर टाइम्स फोल्ड करके। तो फिर लास्ट में मैंने डिसाइड करा इसको फोर टाइम्स फोल्ड करके फिर प्रेस करती हूँ, और उसमें भी बार बार, क्योंकि ये बहुत ही सिल्की बहुत ही स्लिपरी सा फैब्रिक है, बार बार उसकी एक आधी प्लीट्स ऊपर नीचे हो जाती थी, फिर मुझे ठीक करना पड़ता था। तो कम से कम एक घंटा मुझे प्रेस करने में ही लगा है कि मेरी पूरी तैयार होने का जो वो मज़ा था, एक्साइटमेंट थी ना, वही कम होता जा रहा था। तो लेकिन मुझे इन दोनों चीज़ों का बहुत शौक था, क्योंकि जैसे करवा चौथ का मुझे बहुत शौक है, तो मैं बहुत पहले ही डिसाइड कर लेती हूँ कि मैं क्या पहनूंगी और कैसे पहनूंगी। इस वजह से मुझे साड़ी का ही बहुत मन था कि रात को तो साड़ी मैं पहनूंगी, और डे टाइम पे मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं कोरा डालूँ, कि फ़र्स्ट टाइम उस चीज़ को करवा चौथ पे ही डालूँ। लेकिन अगर नहीं भी होता, ऐसा कोई फास्ट रूल नहीं है कि नहीं जी नहीं ज़रूरी है, लेकिन कोशिश मैं यही करती हूँ, क्योंकि ये इतनी मुश्किल चीज़ भी नहीं है, हम लोग बहुत शॉपिंग करते हैं, तो एक करवा चौथ के नाम की ही सही, अगर कोई एक ड्रेस ऐसी है कि आगे पीछे मैं ले रही हूँ तो करवा चौथ पे डालना प्रेफर करती हूँ। जैसे कि अब मुझे इसको लगाने के बाद भी नज़र आ गया यार नहीं अभी भी ठीक से प्रेस नहीं हुई, फिर दोबारा मैंने करनी शुरू करी। तो ये वाली साड़ी ना, मुझे जो रस्म होती है ना शाही ढलाई की, देवर को शाही डालते हैं और फिर गिफ्ट मिलता है, तो उसमें मुझे ये साड़ी मिली थी, मुझे बहुत प्यारी लगी, तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि इसको मैं करवा चौथ पे डालूंगी। लेकिन इस पर तो प्रेस करना इतना मुश्किल हो गया, ऑब्वियसली मैं पैक करके लेके आई थी तो उसमें ही बहुत ज़्यादा क्रश हो गई थी, लेकिन फाइनली मैंने गिव अप कर दिया। तो मैंने सोचा कोई नहीं, बैठने उठने में तो इतनी थोड़ी बहुत सलवटें आ ही जाती हैं, फिर मैंने इसको ऐसे गिव अप कर दिया, ठीक है मेरी तरफ से ना दोनों अच्छे से प्रेस हो गए, अब मैं होती हूँ रेडी। तो अब मैं करने वाली हूँ अपना मेकअप, और मेकअप मेरा थोड़ा सा लॉन्ग रहेगा, इस वजह से मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ, लेकिन कोशिश मेरी यही है कि मैं जल्दी से जल्दी ख़त्म कर लूँ, क्योंकि शान इससे पहले इरिटेट हो और मुझे रेडी ना होने दे, इस वजह से मैं काम जल्दी ख़त्म करना चाहती हूँ।
बस मैं चेंज कर रही हूँ, चेंज करके मैं कहानी पढ़ूंगी, कहानी पढ़ के मैं जल दूंगी, बाकी की बातें बाद में करती हूँ। तो मैं रेडी हो गई हूँ, शान को अभी भी टीवी पे बिठाया हुआ है, जल्दी से अपनी ज्वेलरी डालूंगी, ज्वेलरी क्या डालूंगी, मंगलसूत्र इयररिंग्स वगैरह डालूंगी और बस पूजा करने जा रही हूँ। मैंने लिपस्टिक कलर चेंज करा है कि मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा डार्क, आज के दिन तो डार्क बनता है, ऑल दो मैं हमेशा रेड लगाती हूँ, कोशिश यही करती हूँ डार्क से डार्क लगाऊँ, आज के दिन तो पूरा श्रृंगार होना चाहिए जम के। तो मैंने ये पूरी ड्रेस पूरा आउटफिट बाहर जाके दिखाती हूँ, अभी मैं जल्दी से ज्वेलरी डालती हूँ। तो मैं ये ना गोल्ड की बैंगल्स डालती, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि आज वो वेडनेसडे वाला चक्कर है ना कि ये डाल सकते हैं नहीं डाल सकते, तो मैं रिस्क ना लेते हुए इन्हें वापस रख दूंगी और ये देखती हूँ कि मैं क्या क्या डाल सकती हूँ। एक्चुअली मेरे पास ना चेन्स वगैरह पेंडेंट सेट वगैरह वो है, एक नेकलेस है, आई विल शो यू, कि क्योंकि कोशिश मैं ये करती हूँ मैं रियल ज्वेलरी डालूँ। मन तो मेरा था कि भाई इंडिया से ना अपनी पूरी सारी ज्वेलरी लेके आने का, लेकिन क्या करेंगे यार, कहाँ रखेंगे, कि कौन ध्यान रखेगा, तो इस वजह से मैंने एक ही सेट ले रखा है जो मेरे पास सबसे लाइट था, तो वही लेके आई हुई हूँ मैं। और ये मेरी डालियाँ मंगलसूत्र, कितना अच्छा लग रहा है। देखिए मुझे ये सब चीज़ें डालना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मजबूरी ये हो जाती है कि मैं ना रख नहीं पाती, लाइक पहन के नहीं रख पाती, मुझे सोते टाइम उतारना होता है, नहाते टाइम उतारना होता है, इन सारी रीजंस की वजह से मैं फिर सोचती हूँ कि यहाँ वह हो जाएगा, इससे अच्छा है कि मैं उतार के ही रख दूँ। डाली मैंने रिंग, आज के दिन तो भर भर के बड़ी रिंग छोटी रिंग सारी डाली जाएंगी। ओके रिंग्स मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मेरे पास बहुत सारी भी है, लेकिन मेरी कम पड़ जाती होंगी, लेकिन ठीक है इतनी होनी चाहिए यार, ठीक है इतना तो चलता है। अब एक पेंडेंट सेट ना ऐसे है, ये इस वाली चेन में डालूँ, मेरे पास चेन काफ़ी सारी है। आई डोंट नो, मुझे लगा मंगलसूत्र ही बहुत है, या फिर मैं ऐसे चैन पेंडेंट भी पहन लूँ, ऊपर एक चेन पेंडेंट भी पहन लूँ, अच्छा लगेगा या मंगलसूत्र अच्छा लगता है। तो मैं आपको नेकलेस दिखाती हूँ कौन से लेके आई हूँ, तो ये लेके आई हूँ जो मैंने सोचा था जब मैं इंडिया से आई थी कि चलो यार होली दिवाली करवा चौथ वगैरह पे एक नेकलेस तो चाहिए पहनने के लिए, अच्छा लग रहा है ये तो पहन लेती हूँ, लेकिन क्या है ना ये रियल है और रियल के इयररिंग्स मेरे को आते नहीं है, रीज़न कि उसकी ना जो पीछे की डंडी होती है वो बहुत मोटी होती है, तो इस वजह से मैं ये नहीं पहनूंगी, या फिर पहन लूँ इयररिंग्स कोई और पहनूँ, देखो इसके पीछे के बहुत मोटे मोटे हैं, मैं ये पहन नहीं पाऊँगी। तो इयररिंग्स मैं सोचती हूँ कि ऐसे ही कोई आर्टिफिशियल देखती हूँ और नेकलेस यही पहन लेती हूँ, अच्छा लग रहा है, पूजा करके उतार लेंगे है ना। नज़रिया तो मैंने शान के नज़रिए पहनाने की पूरी पूरी कोशिश करी थी, लेकिन उसने नहीं पहने, अच्छा लग रहा है पहन लेती हूँ। मुझे ज्वेलरी का बहुत शौक है, मैंने बताया ना मुझे इस चीज़ का बहुत शौक है, बस ये है कि मेरे को मैं कंफर्टेबल नहीं रहती, मैं पहन के सो नहीं सकती हूँ, तो मैं उतार देती हूँ। मुझे एंकल टोरिंग का ही बहुत शौक है, लेकिन वही सेम रीज़न, अच्छा लग रहा है इसे पहनती। अब मैं अपनी ही तारीफ क्या करूं, लेकिन सीरियसली आज का दिन मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है चार पांच बार कपड़े बदलो, चार पांच बार ज्वेलरी बदलो और बहुत सारे पहनो। अरे मेरी एक फिंगर रह गई, हाँ रिंग, एक और रिंग पहनो, ऐसे कैसे रह गई, हाँ अरे इसको रहने देते हैं, ये वाली रह गई। हाँ सब में डालूंगी सब में। तो मुझे ना ये इस वाली रिंग के लिए कहते हैं, राहुल कहते हैं ऐसी रिंग भी कोई लेता है इतनी बड़ी, मैंने कहा हाँ यार मेरे को तो शौक है, जब मेरी शादी का लाइक देखना दिखाना चल रहा था ना, और शायद देख लिया था सिर्फ सगाई हुई थी तभी मैंने ये रिंग बनवा ली थी, मैंने कहा एक ऐसी कुंदन की बड़ी सी रिंग चाहिए, कॉकटेल रिंग होनी चाहिए, और मुझे इससे ही बड़ी बड़ी मैं ले सकती हूँ पहन सकती हूँ, अगर आप कभी मुझे इससे बड़ी बड़ी रिंग के साथ देखो तो ट्रस्ट लेना मेरी ऐसी चॉइस है। मुझे रिंग्स बहुत अच्छी लगती है, छोटी छोटी बड़ी से बड़ी। अब मैं सोच रही हूँ
सॉलिड ईयर रिंग्स लेने के लिए. अब मेरे क्योंकि अब मेरा ना पहले लाइफस्टाइल ऐसा था कि इंडिया में आते जाते रहते थे, फंक्शंस होते थे, एनिवर्सरी बर्थडेज वगैरह, वहाँ पे ऐसे एथनिक वेयर डालते थे तो वहाँ पे ये सब ज्वेलरी चल जाते थे. यहाँ पे क्या, यहाँ पे वेस्टर्न वेयर ज़्यादा डालते हैं ना तो नहीं चल पाता. इस वजह से अब मैं वो डेलिकेट वाली ज्वेलरी लूँगी. अब जैसे पतली पतले से डायमंड सेट और सॉलिटेयर इयर रिंग्स मुझे फिर नहीं आएंगे, इसलिए इयर रिंग्स मैं नहीं लेने वाली हूँ. मुझे पता है मैंने आज तक अपने गोल्ड के ही मेरे शायद शादी पे पहने होंगे और उसके बाद एक दो बार मम्मी जी के डर से पहने होंगे. मम्मी के डर तो मेरे को अपने का सुनाती तो वो भी बहुत है कि नंगे कान रहती है ये वो, इतने सारे सुधार रखे मैंने ना, 3-4 पियर्सिंग करवा रखे यहाँ पे, लेकिन मैं नहीं पहनती. मैं सुन लेती हूँ, मैं नहीं पहनती. क्यों? क्योंकि ना ऐसे सोते टाइम ऐसे दबते हैं ना तो हर्ट होता है और वो पीछे डांट लगती है, इस वजह से मैं पहन नहीं पाती. अब इससे ज़्यादा मैं, मम्मी सुन रही होगी तो इससे ज़्यादा मम्मी को क्या गुस्सा दिलाऊं, पता नहीं. ब्रेसलेट वगैरह डाल सकते हैं, और क्या रह गया, और क्या डालूँ, इयर रिंग्स तो मैं आर्टिफिशियली डालूंगी. ओह, एक इयर रिंग ऐसे है मेरे पास, ये जा रहे हैं इसके साथ मैच करेंगे, पता नहीं. प्लेन डालती हूँ क्योंकि अगर मैं जबरदस्ती पहन भी लूँ ना तो मुझे बहुत पेन होता है और फिर मुझे ऐसा लगता है यार मैं क्यों, इतना क्या ज़रूरी है कि मैं क्यों अपने आप को इतना पेन दूँ. तो इस वजह से अब हम देखते हैं, हम प्लेन इयर रिंग है ना वो पहनेंगे, ये वाले पहनते हैं. ये ना छोटी छोटी सी बाली है, अच्छी लगी. आई मीन बड़ी बड़ी भी है सीरियसली बड़ी है ना ये, अच्छी लगी. यही डाल लेती हूँ उसके साथ ना. हाँ, तो एक टाइम आया था मेरे घर में जब ना नोज पियर्सिंग की बात हुई थी कि नाक छिदवा ले. मैंने कहा बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, कोल्ड वोल्ड में तो मुसीबत हो जाएगी. तो मम्मी कहती देख ले डायमंड की दूंगी तो वो नोज पेन. मैंने कहा मम्मी कोई भी दे दो, नाक नीचे दबाने वाली मैं तो. लेकिन मेरे पास कुछ है, देखो मेरे को इतने पतले पतले आर्टिफिशियल भी नहीं आते हैं. मम्मी कहती है पहन के रख फिर आया करेंगे. अरे कैसे, मैं पहन के नहीं रख सकती ना, अदरवाइज मैं इन सब में पहन लूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो मुझे एक चीज़ मिली जिससे मुझे ये बात याद आई कि हाँ नोज पियर्सिंग के लिए बड़ा ही बोला करते थे सब. तो मुझे ना ऐसे कभी कभार कॉलेज वगैरह में पहन के चले गए ऐसे, तो उस फेस में मैंने एक छोटी सी रखी हुई थी. तो मैं जब भी पहन लेती थी ना मम्मी कहती थी देख ये मिक्स्ड होता था सबका, कुछ को अच्छा लगता था कुछ को नहीं अच्छा लगता था. मम्मी को अच्छा लगता था, मम्मी कहती छिदवा ले. मैं बताओ कैसे लग रही है, नहीं लग रही ना अच्छी, नहीं मुझ पर सूट नहीं करती. कि देखो अगर ऐसा लुक चाहिए ना कि नाक छिदी हुई है या नाक में कुछ पहना हुआ है, तो बिंदी भी लगा लो, कोई भी छोटी सी चीज़ लगा लो, वो लुक आ जाता है. लेकिन ज़रूरी नहीं है उसके लिए नाक छिदवानी. जैसे ऐसे ही कुछ पहन के अपने शौक पूरे कर लो, है ना. मैंने कॉलेज वगैरह बड़ी पहनी थी. अब बच्चे से फ्री है ना, वापस से फैशन वैशन शुरू करेंगे तो आप लोग शेयर करोगे ना कि अच्छे लग रहे हैं ना, पहन के रखूं रहने दूं. मुझे बता ना कैसी लगी है, ऐसे फिर और मैं फिर डाला करूंगी और ऐसे और कुछ लेके आऊंगी अगर अच्छी लग रही है तो. अच्छी लग रही हूँ मैं सच्ची मुच्ची और सच में ये करवा चौथ पे में ना अलग ही वो रंग आता है. सिर्फ मेरा ही नहीं, मतलब जितनी भी आप देखो कि ना मैरिड और जिन्होंने फास्ट रखा है जो रेडी हुए हैं अलग ही लगता है. मेरी मम्मी ना पूरे टाइम, वैसे तो मैक्सिमम टाइम मम्मी अच्छे से चूड़ियाँ वगैरह डाल के रखती है, लेकिन करवा चौथ पे ना भर भर के वो चूड़ियों को सेट होता है ना, बड़े ही अच्छा लगता था. मम्मी को देख के हम लोग खुश हो जाते थे, ऐसा लगता था हमारे भी करवा चौथ बन गया. लेकिन सीरियसली यार अच्छा लग रही हूँ मैं, है ना, है ना. अब देखो शान आएगी मेरे को हक करेगी, ये शानी चीज कर चुकी है. शान मेरी गोद से तो ही नहीं देती, ऐसे कहती मम्मा. मैंने कहा मम्मा अच्छी लग रही है क्या. अब देखना मैं क्या कभी रिएक्शन दिखाऊंगी, क्योंकि मैं ऐसे जाने वाली हूँ. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा इसको उतार के रख दूंगी कहानी के बाद, लेकिन मैं वैसे ऐसे ही रेडी शेडी होकर जाना चाहती हूँ. देखो मेरी रिंग्स भी लूज हो गई,
अच्छी बात है मैं लूज कर रही हूँ, और ये वाली लूज होनी नहीं चाहिए क्योंकि एक दूसरे में गुस्से है ना अच्छी नहीं लगती, लेकिन अच्छी बात है लूज होना चाहिए माहौल थोड़ी धीरे करके और अपना वजन घटाने वाले। तो पता नहीं आप लोगों को लग रहा ही लग रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सिंदूर ने ऐसे बस यहाँ पीछे तक ही है, आगे तक नहीं आया, तो मैं सोच रही हूँ आगे थोड़ा सा लगा लूँ फिर तो और निखार आ जाएगा। मेरे को ये दिन बहुत अच्छा लगता है, मुझे करवा चौथ बहुत अच्छा लगता है। वो तो मतलब कि मैं ऐसे मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं बच्चे रेडी होने देंगे नहीं होने देंगे, पता नहीं कुछ होगा नहीं होगा, बड़े डाउट सा था कैसे सेलिब्रेट होगा कैसे नहीं, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है, आई एम लविंग इट। अपना टाइम बच्चे आएंगे कुछ खाएंगे पियेंगे, वैसे तो सोच रहे हैं कहीं बाहर जाने का, लेकिन अगर मैं परेशान हुई साड़ी वगैरह पहनूंगी मैं रात को, तो अगर मैं परेशान हो गई उन सब चीज़ों में तो मे बी हम लोग घर पे ही मंगवा लें। एक तो ये बाल ही नहीं मान रहे हैं, जब राहुल लगाए थे ना तब भी यही सेम चीज हो रही थी कि छोटे छोटे हेयर आगे आ रहे थे बेबी हेयर। तो आज के दिन मैं सूखा सिंदूर ही लगाती हूँ, और वैसे भी प्रेफर मैं सूखा सिंदूर ही करती हूँ, किसी और दिन रैंडम डे पे भी अगर मेरे पास चॉइस है कि मैं लिक्विड वाला लगाऊँ सूखा लगाऊँ तो मैं ये सूखा लगाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, ना ये रंग छोड़ता है ना कुछ एलर्जी करता है, बहुत इजीली क्लीन भी हो जाता है, बहुत अच्छा है। अगर कभी जाओ भैरव मंदिर तो ज़रूर लेना, कलर भी अच्छा है, ऐसे कुछ ब्राइट रेड भी नहीं है तो ऐसे डार्क वाला मैरून भी नहीं है। और ये डिब्बी भी वहीं से ही ली थी मैंने, वहीं पे पास से। और क्या था मेरा सिंदूर जो फेरो वाला था ना वो ऐसे एक पेपर में था, तो मैंने उसमें से थोड़ा सा ऐसे मिक्स कर दिया इसके अंदर, तब से यही डिब्बी है। ये देख लो कितने साल हो गए, किया भी नहीं हुई थी उस टाइम पे ना, बस मेरी शादी को एक साल ही होने वाला था तभी मैंने ये ली थी, और आज तक ऐसे ही चल रही है। ये कितना होता है हल्का सा होता है ना, अब और निखार आ गया अब और रंग आ गया। तो बाकी का डे मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करने वाली हूँ, नेक्स्ट टाइम जिससे जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें पोस्ट करने वाली हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ सब चीज़ शेयर करने वाली हूँ और है ही कौन, सो स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अपना ध्यान रखना।